कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध और समर्थन में कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भगवा शॉल पहनी भीड़ ने मुस्कान नाम की एक मुस्लिम छात्रा को परेशान किया था। इसका वीडियो आपने न्यूज चैनल्स या सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा। इस घटना के बाद से मुस्कान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक दावे शेयर किए जा रहे हैं। पहले तो बिना हिजाब में दिख रही लड़कियों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा गया कि ये मुस्कान है जो एक एजेंडा के तहत कॉलेज में हिजाब पहनना चाहती है। अब मुस्कान को राजनीतिक पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। राहुल गांधी के साथ खड़ी इस महिला को हिजाब वाली शेरनी बताया जा रहा है। गौर करें कि ये वाक्यांश मुस्कान के लिए इस्तेमाल किया गया है और इन प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। इसी दावे के साथ ये तस्वीर फेसबुक से लेकर ट्विटर पर वायरल है। तो क्या वाकई में मुस्कान ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी? इसका जवाब है नहीं। तस्वीर में दिख रही लड़की मुस्कान नहीं बल्कि अंबा प्रसाद है। ये बात अम्मा ने खुद ट्वीट करते हुए बताई थी। अम्बा प्रसाद झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस पार्टी की विधायक है। उन्होंने झारखंड पुलिस से ऐसे फर्जी दावे करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी रिक्वेस्ट की थी। अम्बा प्रसाद ने ये तस्वीर 8 फरवरी को फेसबुक पर पोस्ट की थी। पोस्ट के मुताबिक एक बैठक के दौरान वो झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिली थी। इस दौरान वो राहुल गांधी से भी मिली थी। यानी राहुल गांधी के साथ दिख रही महिला मुस्कान नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर हिजाब बैन का विरोध कर रही मुस्लिम छात्राओं को लेकर कई फर्जी और भ्रामक दावे शेयर किए गए। जनता दल सेक्युलर कर्नाटका की सदस्य नजमा नजीर की तस्वीरें शेयर कर उन्हें स्कूल कॉलेज की छात्रा बताया गया और दावा किया गया कि छात्रा एक क्लास में बुर्का पहनती है लेकिन बाहर जाते वक्त मॉडर्न कपड़े पहनती है। ये न सिर्फ छात्राओं को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि उनके पसंद के कपड़े पहनने के अधिकार पर भी वार है।